कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तारखेला आपण मर्डरचा गुन्हा दाखल केला. गुरुवारपासूनच आज 5वा दिवस आहे. डीसीपी क्राईम आणि डीसीपी झोन 2 सीपी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही एक 8-9 पथक याच्यामध्ये काम करत होतो. मग बरेच इंट्रोगेशनमध्ये आणि आमच्या टेक्निकल अनालिसिसमध्ये आम्ही 2-3 सस्पेक्ट शॉर्टलिस्ट केले होते, स्पॉट केले होते. त्याकरता पथक आपलं नवी मुंबई तसेच कर्नाटक या ठिकाणी दोन्ही ठिकाणी पाठवण्यात आले होते आणि दोन पथक आपले मागील 5 दिवस त्या ठिकाणी कॅम्प करून होतं आणि इथून आपण जे काही इनपुट्स आपल्या मिळत होते ते आम्ही त्या पथकांना देत होतो. त्याचा आधार घेऊन आम्ही काल आज सकाळी आम्ही जो मेन सस्पेक्ट होता आमचा दाऊद शेख म्हणून त्याला आम्ही ताब्यात घेतलेला आहे. ही घटना घडल्यानंतर त्याचं आम्हाला एक्झॅक्ट लोकेशन सापडत नव्हतं आणि तो कर्नाटकाचा आहे फक्त एवढी माहिती आपल्याला होती. त्यानंतर आपण मग त्याचे घर नातेवाईक सर्वांकडे चौकशी केली. त्यानंतर त्याचे मित्र त्यांनी आम्हाला काही माहिती दिली. त्या आधारे आम्ही एक गाव आहे अल्लर म्हणून कर्नाटक शहापूर या ठिकाणी त्यातून आरोपीला आज सकाळी पहाटे ताब्यात घेतलेला आहे. सर, एक मोहसिन नावाचा आरोपी पण अटक केला अशी माहिती मिळते? नाही, मोहसिन जो आहे हा मैताच्या संपर्कात होता आणि असे जे काही संपर्क त्या मुलीच्या होते आम्ही सर्वांकडे चौकशी करत होतो. कुठलाही अँगल आम्हाला त्यातून सोडायचा नव्हता. 3-4 सस्पेक्ट आम्हाला वाटत होते. त्यापैकी हा जो सस्पेक्ट आम्ही जो ताब्यात घेतलेला आहे त्याला आम्ही ताब्यात घेतलं, विचारपूस पण केली आणि त्याप्रमाणे त्यांनी कबुली दिलेली आहे. याच्यामध्ये दुसरा कुठलाही सस्पेक्ट नाही आहे सध्या. आपल्याला माहीत असेल की मयत आणि यांच्यात ओळख होती, मैत्री होती आणि मागील 3-4 वर्ष मयत जी आहे ह्या मुलाच्या संपर्कात नव्हती आणि असं वाटतंय की त्याच्यातूनच त्यांनी केलेलं आहे. 2019 जो पॉक्सोचा गुन्हा आरोपीवरती दाखल झालेला होता आणि त्यानंतर त्याला तुरुंगात जावं लागलं होतं, त्याच्यात रागातून हे कृत्य त्याने केलेलं आहे असं वाटतंय? अजून पूर्ण इंट्रोगेशन झालेलं नाहीये असं सांगणं फार लवकर जलद होईल, तर वेळ लागेल. इंट्रोगेशन केल्यानंतर ह्या गोष्टी चेहरा होता पूर्णपणे मॅच करण्यात आला होता, म्हणजे ते आयडेंटिफाय करता येत नव्हता, नेमका झाला काय होता? जी माहिती अद्याप मिळालेली आहे, आपण जे पीएम करणाऱ्या डॉक्टरांशी पण चर्चा केलेली आहे, त्याच्या आधारे स्टॅब इंजुरीज ज्या आहेत त्या फेटल होत्या आणि चेहऱ्यावर जे आहेत ते कदाचित आता पीएम रिपोर्ट आम्हाला आज प्राप्त होईल, शक्यता आहे की जनावरांनी कुत्र्यांनी ते केले असं शक्यता. नाही, सध्याच्या प्राथमिक तपासात तर नाही. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे ये सर ही जी मुलगी होती तिला याच्यामध्ये दोघांचा संपर्क झाला आणि दोघांनी एका ठिकाणी ज्या ठिकाणी घटना घडली त्या ठिकाणच्या जवळपासच भेटायचं ठरवलं. मग असं किडनॅपिंग वगैरे नाही आहे, ते दोघं एकामेकाला ओळखत होते आणि त्यातूनच पुढं ही घटना घडलेली आहे. वाद झाला असं वास आम्हाला वाटतं आणि नंतर ही घटना घडलेली आहे. गावात होते अशी प्राथमिक माहिती आहे की ते एकाच ठिकाणी किंवा एका जवळपास राहत होते, शिकत होते, पण निश्चित सांगता येणार नाही. थोडं आरोपीला पूर्ण विचारपूस करता आलेली नाही आम्हाला. नाही, पण आम्हाला जे तपासात असं दिसलं की ते संपर्कात होते आणि ठरवून तिने त्या ठिकाणी भेटायचं ठरवलं होतं. देखिए, गुरुवार 25 तारीख को मयत है उसकी पिताजी ने मिसिंग दाखिल की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और की थी और उसके बाद शुक्रवार लेट इवनिंग को हमें उसका मयत जो है विक्टिम है उसकी डेड बॉडी मिली और शनिवार को हमने अर्ली मॉर्निंग में FIR रजिस्टर किया था मर्डर का और गुरुवार से ही हम उसके ट्रैक पे थे. तो जो कुछ हमें इंट्रोगेशन उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लोकल लाइट जो दे रहे थे और वे टेक्निकल इनपुट से हम जो मिल रहा था उसके आधार पर हमने करीब करीब 8 टीम DCP जोन 2 और DCP क्राइम साहब के और CP साहब के अंडर हमने बनाई थी, उनके गाइडेंस में काम कर रहे थे. तो इनपुट्स हम मिलने के बाद हमें जो लगा जो अनुभव से और एनालिसिस से कि ये कर्नाटक में होने की संभावना है, तो उसके तहत हमने 2 टीम बेंगलोर में 2 टीम और जो यादगिर जिला है शाहपुर तालुका वहाँ पे 2 टीम हमारी कार्यरत थी और 3-4 सस्पेक्ट थे इसमें
जो आपने बताया अभी मोहसिन वगैरह, पर उसके बाद सस्पेक्ट से हमने इंट्रोगेट और करने के बाद एक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया दाऊद शेख करके, और उसको आज सुबह हमने उनकी मदद से मोहसिन और जो लोग थे वहाँ के लोगों के लोकल लोगों की मदद से उनको पकड़ा है। ये प्राइमरी में उसने सिर्फ एक्सेप्ट किया है, बहुत डिटेल बता नहीं पाए क्योंकि हाँ लोकल हम कर्नाटका से उनके लोकल पुलिस से कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, अभी अरेस्ट प्रोसेस शुरू है तो पूरा इंट्रोगेशन हम कर नहीं पाए उन्हें। सवाल ये है कि हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया, क्योंकि एक सीसीटीवी भी आया था, वो सीसीटीवी उसको फॉलो करते हुए, तो क्या क्या पीड़िता को मृतक को उसने बुलाया था या मृतक जा रही थी फॉलो करके उसने इंटेंसली फोर्सफुली मर्डर किया? इसमें जो मयत है और जो एक्यूज सामने आए हैं दोनों एक दूसरे को पहचानते थे, और जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है उसके आधार पर मैं ये कह पाऊंगा कि वो दोनों एक जगह मिलना चाहते थे और उसमें फिर कुछ बातचीत हुई और उसके बाद ये घटना घटी है। ऐसा आरोपी के ऊपर पोक्सो का केस दर्ज था इसके पहले, क्या वो उसने रिवेंज लिया है, ये इनिशियल जांच में कुछ इस तरह से आया? नहीं, प्राथमिक तपास में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है सर। लेकिन क्या फर्स्ट टाइम मुलाकात थी कॉन्टैक्ट में है, पर उस कॉन्टैक्ट में काफी लोग हैं, मतलब अभी दोस्त हैं तो बोल नहीं पाएंगे कि एक्चुअली उनका इंटेंशन क्या था, पर अभी इंट्रोगेशन में समझेगा हमें। सर पीड़िता का चेहरा बुरी तरह से खराब मिला था, अब जब पीड़िता का शव मिला था क्या इसमें नजर आ रहा है, क्या आरोपी का ये किया धना है उसकी आइडेंटिटी छुपाने के लिए या फिर किसी और वजह से पीड़िता का चेहरा है? नहीं, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया है हमें, जो पीएम करने जो डॉक्टर है उनसे भी हमने बातचीत की है आयो ने, तो जो मेन कॉज ऑफ डेथ है वो है स्टैबिंग, और जो चेहरे की बात आप कर रहे हैं हमें शंका है कि वो हो सकता है कि जंगली जो प्राणी होते हैं जो वो कुत्ते वगैरह होते हैं तो होने की संभावना है, वो पीएम रिपोर्ट आने के बाद आज वो क्लियर हो पाएगा। पूरे मामले में कितने आरोपी कुल हैं, आपको अभी भी लगता है कि दाऊद शेख नाम का एक ही आरोपी ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया? देखिए सस्पेक्ट तो हमारे पास दो तीन थे, मोहसिन वगैरह लग रहे थे हमें, पर जब वहाँ जाके हमने टीम ने इंट्रोगेट किया इन्वेस्टिगेट किया तो लोकल जो सस्पेक्ट थे उन्होंने हमें बाद में जो आरोपी पकड़ा है उसको पकड़ने में मदद की है, तो अभी तक जो लगा है कि एक ही आरोपी इसमें है। देखो पीएम रिपोर्ट तो आज प्राप्त होना है, जो चर्चा हुई है डॉक्टर से और आयोग की उसके इंक्वेस्ट पंचनामा जो उन्होंने देखा है उसके हिसाब से तो सिर्फ स्टैब इंजुरीज में है, और जो चेहरे पे या जो बाकी इंजुरीज है वो आरोपी के द्वारा दिख नहीं रही है। क्या शादी को लेकर कोई अनबन थी, आप पहले मिलना चाहते थे, कोई बात करना चाहते, कोई मतलब मैरिज जैसी कोई शादी जैसी कोई बात क्यों मिलना चाहते? देखिए अभी तो इंट्रोगेशन पूरा कर नहीं पाए हम लोग, और जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो एक दूसरे को मिलने के इसमें थे, मिलना चाहते थे वो। दाऊद का दबाव था? दबाव नहीं कह पाऊंगा मैं, अभी तो जो बातचीत है अब तो ऐसा कंप्लेन तो आया नहीं है। देखिए वो पहले उरण में रहा है काफी दिन, उसके बाद जो पॉस्को दाखिल हुआ उसके बाद वो कोरोना के दरमियान वो कर्नाटक चला गया और वहाँ ड्राइवर करके वो काम करता था, एक दो कंपनी चेंज की है उसने, वो पूरा डिटेल हम ले रहे हैं उसके बारे में। हत्येनंतर पीडितेचा मोबाईल सुद्धा आरोपीने स्वतःच्या सोबत नेला होता का, मोबाईल आपल्याला सापडलेला आहे का? नाही, अजून तो सापडलेला नाहीये, आता आरोपी आल्यानंतर आम्ही तो शोध घेणार आहोत। एक बात जानना चाहिए सर, जिस तरह से हत्या के बाद इसे हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टी इसमें शामिल है, क्या संदेश देना चाहेंगे नागरिकों को और उन नेताओं को? देखिए मैं आज जो कॉन्फ्रेंस चल रही है उसके द्वारा यही कहना चाहूंगा कि जो भी विक्टिम है, जो सब वर्ग है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने 112 का इस्तेमाल करना चाहिए। 112 को अगर आप कॉल करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा और कुछ घटनाएं हम प्रिवेंट कर पाएंगे। थैंक यू। नहीं, अद्यापच्या इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये डॉक्टरांच्या चर्चेप्रमाणे असं काही घडलेलं दिसून येत नाहीये, पण पीएम रिपोर्ट आल्यानंतर अधिक सांगता येईल। उसका जवाब आरोपी आने के बाद इंट्रोगेशन के बाद दे पाएंगे। थैंक यू। का और मोबाइल, ये दोनों में क्या क्लैरिटी मिल पाई है? मोबाइल जानबूझकर छुपाया गया ताकि? कौन सा मोबाइल बता रहे हैं? पीड़िता का मोबाइल। नहीं वो भी देखो अभी तो हम ढूंढ ही नहीं पाए मोबाइल, तो उसके बारे में कहना गलत होगा। जब तक आरोपी हमारे सामने आके वरिष्ठ अधिकारी, अभी देखो
टीम की भी पीएसआई पे के अंडर एसीपी पीआई डीसीपी इंट्रोगेट करेंगे, उसके बाद हम कुछ ज्यादा बता पाएंगे इसके बारे में। असं वाटत नाही आहे सध्या तरी, लेटेस्ट मध्ये वाटत नाही आहे, भेटणार होते माहित नाही, सांगता येणार नाही। अभी इंट्रोगेट करेंगे, उसके बाद सीनियर ऑफिसर ने बातचीत ही नहीं की, हम कैसे बता पाएंगे आपको? हम कल परसों तक बता पाएंगे आपको। नहीं, अभी क्या करेंगे, आरोपी को इंट्रोगेट करके आपके पास फिर वापिस एक बार हम आएंगे। थैंक यू सर। एक छोटा।